आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर एक बार फिर स्वागत है। रामलला की अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन का उल्लास ताज नगरी में जमकर मना। हर मन आनंदित और प्रफुल्लित था। हर जुमा पर जय श्री राम का संबोधन था। शहर से लेकर देहात तक भवनों को लेकर दुकानों को रंग बिरंगी झालर और गुब्बारों से सजाया गया तो घरों में दीपों को झिलमिलाकर मन आस्था की सरकियों में डुबकी लगा रहा था। मंदिरों में विशेष आयोजन हुए और सुंदरकांड का आयोजन भी हुआ। ये हम आपको जो लाइव दिखा रहे हैं ये है आगरा ग्वालियर रोड के बाद गांव की, जहां पर बाद गांव में अयोध्या की तरह गांव को भी सजाया गया और वहीं कुछ महापुरुष महान जो समाज में विशेष योगदान दिया है समाज के उत्थान में, ऐसे लोगों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। इन लोगों को आगे भविष्य में बधाई दी कि ये अपने समाज को साथ लेकर चलें और हर क्षेत्र में जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सत्य की विजय पाई थी, इसी प्रकार ये भी सत्य के लिए काम करें। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीनों लोक में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम का। नमस्कार, मैं मंजीत सिंह द ग्रेट इंडिया का जिलाध्यक्ष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि में नींव रखी गई है मंदिर बनाने के लिए, उसी को देखते हुए हमने अपने आगरा में जगह जगह प्रोग्राम कराए और जिसमें से हमने एक संस्कार पब्लिक स्कूल है जिसके बाद के अंदर उसके अंदर प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और बहुत हर्षोल्लास के साथ राम मंदिर की नींव का उत्साह मनाया गया और पूजा की गई। नमस्कार, क्या देते हुए आज किस प्रकार का प्रोग्राम रहा यहाँ? मैं गीतम सिंह द ग्रेट इंडिया से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और अखिल भारतीय जाट एकता मंच से जिलाध्यक्ष हूँ आगरा से। मैं हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी खुशियों के साथ में श्री रामचंद्र की चरण वंदना करते हुए ये मुझे आज खुशी हो रही है कि आज हमारा अयोध्या में जो रामलला विराजने का पूजन हुआ है, एक शुभ तिथि में हमारे पूरे हिंदुस्तान के शास्त्रियों ने और दिग्गज ब्राह्मणों ने ये शुभ मुहूर्त किया है। मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मैं श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करते हुए एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे श्री राम प्रभु कितने त्यागी थे और राम राज काहू नहीं व्यापा, ये चौपाई आपने पूरी सुनी होगी। और राम जी का जो त्याग है मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग छोटी छोटी जगह के लिए लड़ते हैं, हम अपने भाइयों से झगड़ते हैं, आपस में छोटी छोटी जगह के ऊपर दावा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सोने की लंका जैसी नगरी को जीत गए और इतना भव्य लंका थी जिसमें अपार अटूट संपत्ति थी और बहुत पैसा था
उस समय भी श्री राम चाहते तो उस लंका को अपने कब्जे में ले सकते थे, लेकिन उस लंका को त्याग के उन्होंने अपनी जन्मभूमि में रहना पसंद किया, अपनी जन्मभूमि से प्यार किया, अपने देश के लोगों से प्यार किया और अपने देश के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता माता को जो देवीय स्वरूप थी उसके लिए और समाज के लिए अपना पूरा जीवन नौछावर कर दिया। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करता हूँ मैं गीतम सिंह। ये संस्कार पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है, भाई अजय सिंह चाहर और भाई प्रदीप सिंह चाहर और उनके पूरे परिवार को श्री रामचंद्र से वंदना करता हूँ कि ये स्कूल बहुत फूले फले और बहुत आगे बढ़े और हमारे नौजवान भाइयों ने जो साथ दिया, जो श्री राम के जयकारे लगाए, बड़ा सुंदर सराहनीय दृश्य था। जय श्री राम, जय श्री राम। परिचय देते हुए आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम था आपने? मैं प्रदीप चाहर संस्कार पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ और मुझे बहुत खुशी थी कि आज हमारे देश का 500 वर्षों से अटका हुआ जो मामला था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारे आराध्य श्री भगवान श्री राम का मंदिर का भूमि पूजन जो किया है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है और हम उस सब में शामिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है देश के लिए कहा गया था कि घर घर में दीपावली मनाई जानी चाहिए। मैंने टीवी पर देखा कि न्यूयॉर्क में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जब विदेशों में इस तरह की सजावट हो सकती है, श्री राम को मनाया जा सकता है, इस उत्सव को मनाया जा सकता है, तो क्या हम अपने यहाँ भगवान आराध्य हमारे राम कृष्ण के लिए हम इतना नहीं सोच सकते, क्या हम इसके लिए नहीं कर सकते? तो इसी प्रेरणा के साथ मेरे मित्र गीतम सिंह जी ने मुझे सजेशन दिया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो होना चाहिए, तो हमने थोड़ी सी सजावट की, दीपावली जैसा उत्सव किया और श्री राम के जयकारे लगाए। हमारे मित्र रंजीत भाई ने बहुत सहयोग किया, गीतम सिंह भाई साहब, इन सभी दोस्तों ने हमारा बहुत मदद की और एक अच्छा उत्सव मनाया गया। बस दैट्स इट। लंबे इंतजार के बाद आखिर भारत में अयोध्या का मंदिर बनने का वो शुभ दिन आ ही गया। आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो ताज नगरी में भी अयोध्या की तरह सजाया गया। इस समय मौजूद आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के गांव बाद में आप देख सकते हो किस प्रकार घरों को सजाया गया है। वहीं यहां पर द ग्रेट इंडिया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता मंच के जिलाध्यक्ष का भी सम्मान और स्वागत किया गया। उन्होंने कहा है जिस प्रकार हमारे देश के आराध्य का पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, विदेशों में भी जश्न मनाया जा रहा है, तो हम ताज नगरी को उसी प्रकार जश्न मना रहे हैं और हमें अपने आराध्य भगवान श्री राम पर देश को गर्व है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा।